मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 116.65 करोड़ की लागत से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का किया उद्घाटन। बिहार प्रदेश में स्थापना के 36.5 साल बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय को अपना भवन और परिसर मिल ही गया। इसके नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति व गणितज्ञ डॉक्टर कृष्ण चंद्र सिन्हा, प्रोवेसी डॉक्टर संजय कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद अबीर रहमान, डॉक्टर नीलम कुमारी समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। नालंदा जिले के सलाव प्रखंड क्षेत्र में 10 एकड़ में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भवन बनाया गया है। इसके निर्माण पर 116.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि 1 मार्च 1987 को नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तब से यह विश्वविद्यालय पटना के विस्कोमान भवन में चल रहा था। स्थापना के 36 साल बाद नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कार्यालय नालंदा में शुरू हो गया। नवनिर्मित परिसर में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक बिल्डिंग, बीसी बंगला, प्रोवेसी बंगला, प्रोफेसर एवं स्टाफ के अलावा छात्र छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण भी किया गया है। इसके प्रशासनिक भवन की बनावट नालंदा महाबिहार की जैसा किया गया है। फिलहाल नालंदा के सिलाव प्रखंड क्षेत्र में भवन का उद्घाटन होने के बाद पटना में विश्वविद्यालय की शाखा कार्य करती रहेगी। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।